हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्लिक में अनलिमिटेड फोल्डर कैसे बनाए जाते हैं। तो एक क्लिक में अनलिमिटेड फोल्डर बनाने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल मिनी टू मैक्स पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मिलती रहे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक क्लिक में अनलिमिटेड फोल्डर कैसे बनाते हैं। एक क्लिक में अनलिमिटेड फोल्डर बनाने के लिए आपको ओपन करना होगा अपना नोटपैड। नोटपैड को ओपन करने के लिए हमें चलना होगा अपने स्टार्ट बटन पर। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद अगर आपने रिसेंटली नोटपैड को ओपन किया हुआ होगा तो वो आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो आपको यहाँ पर एक सर्च बॉक्स मिलता है, आप यहाँ पर नोटपैड टाइप करके नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि नोटपैड हमें कहाँ पर मिलता है, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें करना होगा ऑल प्रोग्राम वाले बटन पर क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर एक ऐसे सीरीज के नाम से एक फोल्डर, आपको जाना होगा उस पर। उस पर जाने के बाद आपको करना होगा क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपको जो ऐसे सीरीज का फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा, उसमें आपको नोटपैड यहाँ पर दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटपैड दिख रहा है। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए हम करते हैं इस पर क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपका जो नोटपैड है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा MD स्पेस, उसके बाद आप जितने नाम यहाँ पर लिखेंगे उतने ही फोल्डर क्रिएट होंगे। आप इसमें 10, 20, 50, 100 या उससे भी ज़्यादा नाम लिख सकते हैं। तो मैं कुछ नामों को यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें कुछ नाम लिख लिए हैं, जैसे कि ईशान, मुस्कान, मोजिस, अरमान, अजीम, मनीष, रवि, आरिस। मैंने कुछ 6-7 नामों को उसमें ऐड कर लिया है। आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा नाम ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे कि आपने देखा, मैंने MD के बाद स्पेस दिया, फिर नाम, फिर स्पेस, फिर नाम, फिर स्पेस, फिर नाम। आपको इसी तरीके से और नामों को लिखना है। अगर आप यहाँ पर कोई और नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आरिस, उसके बाद मैं लिखता हूँ रेहान, तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने आरिस उसके बाद लिखा है रेहान, लेकिन उन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर आरिस रेहान नाम का एक ही फोल्डर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इन दोनों नामों के अलग अलग फोल्डर बने, जैसे कि आरिश नाम का अलग और रेहान नाम का अलग, तो आपको देना होगा इसमें बीच में स्पेस। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो एक वर्ड का एक ही फोल्डर क्रिएट होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें कुछ नाम लिख लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितने नाम लिखे हैं। नंबर 1 ईशान, नंबर 2 मुस्कान, नंबर 3 मोजिस, नंबर 4 अरमान, नंबर 5 अजीम, नंबर 6 मनीष, नंबर 7 रवि, नंबर 8 आरिस और नंबर 9 रेहान। तो आपको यहाँ पर 9 फोल्डर बन जाएंगे। आप चाहें तो और भी नाम को ऐड करके फोल्डरों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फाइल को हम करते हैं सेव। और सेव करने के लिए हमें जाना होगा नोटपैड की फाइल वाले ऑप्शन पर, और वहाँ पर करना होगा सेव एज वाले बटन पर क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको सेव करने के लिए फाइल नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पर 01 के नाम से फाइल नाम दे देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 01 के नाम से यहाँ पर फाइल नाम दे दिया है। और उसके बाद में हमें
एक एक्सटेंशन ऐड करना होगा। एक्सटेंशन ऐड क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा पॉइंट BAT। फ्रेंड्स ये हमारा .BAT एक एक्सटेंशन है फाइल का। फ्रेंड्स जैसे ही 01.BAT में लिखता हूँ तो आपके सामने एक 01 नाम से एक फाइल क्रिएट होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई फाइल नहीं है। मैं जैसे ही सेव पर करता हूँ क्लिक तो आपके सामने एक फाइल आ जाएगी। मैं करता हूँ उस पर सेव पर क्लिक तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक फाइल आ चुकी है 01 नाम की, जो कि मैंने आपके सामने ही सेव की है। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे कुछ नाम हैं, ईशान, मुस्कान, मोजिस, अरमान, अजीम, मनीष, रवि, आरिस, रेहान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ नाम मैंने लिखे हुए हैं। और यहाँ पर एक क्लिक में 9 फोल्डर कैसे क्रिएट होंगे, उसके लिए इस फाइल पर हमें करना होगा डबल क्लिक। और क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो मैंने यहाँ पर नामों को लिखा हुआ था वही यहाँ पर फोल्डर बन जाएंगे उन्हीं नामों से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल मिनी टू मैक्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।